भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2.5 लाख से कम नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले देश में कोरोना वायरस के 2,85,000 से अधिक मामले सामने आए थे। वहीं कोरोना से पिछले 24 घंटे में 871 लोगों की मौतें हुई हैं। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में शीतलहर और शीत दिवस की स्थिति शनिवार के बाद धीरे धीरे कम होने की संभावना है, जबकि 2 से 4 फरवरी तक उत्तर पश्चिम, पूर्व और पूर्व उत्तर भारत में बारिश होगी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए शुक्रवार को नामांकन पत्र का आखिरी दिन था। 5वीं विधानसभा के चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन शुक्रवार तक कुल 750 प्रत्याशियों ने नामांकन कराया है। सबसे ज्यादा 144 प्रत्याशी देहरादून जिले की 10 विधानसभा सीटों पर मैदान में हैं। एडीआर की रिपोर्ट में 7 राष्ट्रीय और 44 क्षेत्रीय दलों की संपत्ति का ब्यौरा दिया गया है। जानकारी दी गई है कि राष्ट्रीय दलों में सबसे ज्यादा संपत्ति वाली पार्टी बीजेपी ही है। वहीं बात जब क्षेत्रीय दलों की आती है तो समाजवादी पार्टी ने सबसे अधिक 563.47 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और लालकुआ से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत के पास अपना कोई निजी वाहन नहीं है। हरीश रावत की पत्नी के पास 2 कार है। हरीश रावत लखपति हैं तो उनकी पत्नी करुणपति हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि 2017 में हरीश रावत करुणपति थे। इस बार के हलफनामे के अनुसार अब वो लखपति हैं। आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर छात्रों का आंदोलन चरम पर है। कई स्थानों पर तोड़फोड़ और आगजनी की घटना घटी है। शुक्रवार को बिहार बंद का आह्वान किया गया था। इधर प्रशासन ने इस मामले में कई लोगों पर मामले दर्ज किए हैं। राजद विधायक तेज प्रताप यादव ने छात्रों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने की मांग की है। ज्यादा फायदे के चक्कर में अक्सर लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं। धोखेबाज खासकर गांव के भोले भाले लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। एक बार फिर बिहार के बगहा के एक गांव में धोखाधड़ी करने वाली महिला गैंग ने महिलाओं को ही चूना लगाया है। सोनीपत जिले में सुभाष चौक पर स्थित एक दुकान में शुक्रवार को अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग लगने के कारण दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया और कार एसेसरीज की दुकान में ये आग लगी है। हरियाणा में कोरोना मरीजों की संख्या एक बार फिर से बढ़ रही है। शुक्रवार को हरियाणा में 4,630 नए मरीज मिले हैं। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा भी 31,000 पार हो गया है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और उसके घर से भगाकर ले जाने के मामले में कोर्ट ने दोषी युवक को 20 साल कैद की सजा सुनाई है।